everyone, this is Sneeta and you are most welcome to Knits Lifestyle. मैं इस चैनल पे DIY and home decor से related videos बनाती हूँ और आज का video जो है वो DIY video है. इस video में आपके साथ में 3 different and unique ideas share करूँगी photo frame को लेके. फोटो फ्रेम्स में ज्यादातर हम फोटोज रखना पसंद करते हैं या फिर पेंटिंग, लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारे क्रिएटिविटी कर सकते हैं फोटो फ्रेम्स के साथ में, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा. तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको DIY एंड होम डेकोर से रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फोटो फ्रेम लिया है. तो सबसे पहले हम फोटो फ्रेम को ओपन कर लेंगे. और अब हम इस तरीके का पेपर का यूज करेंगे. इस तरीके का पेपर आपको इजीली स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा. उसके बाद हम फोटो फ्रेम का बैक साइड वाला पार्ट लेंगे और उसे इस तरीके से रख के लाइन ड्रॉ कर लेंगे. लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम ये मोर के पंख को लगाएंगे और इसे लगाने से पहले हम थोड़ा इसे कट कर लेंगे. फिर फेविकोल लगा के इसे हमें पेपर पे पेस्ट कर देना है. और अब हम इसे फ्रेमिंग करेंगे. तो ये रहा हमारा फर्स्ट DIY रेडी है. तो इसे आप साइड टेबल पे भी रख सकते हैं या फिर आप वॉल पे हैंग करके भी रख सकते हैं. ये बहुत ही खूबसूरत सा एक वॉल आर्ट है. सेकेंड DIY के लिए भी हम एक फोटो फ्रेम लेंगे और साथ साथ एक व्हाइट पेपर. इस पेपर को भी मैंने ये कार्डबोर्ड के शेप में कट कर लिया था और इस पेपर पे हम इस तरीके के फ्लावर्स को पेस्ट करेंगे. ये आपको जहाँ पे फ्लावर्स मिलता है उस शॉप पे मिल जाएगा. और इसे मैंने करीबन 15 डेज से एक बुक में रख दिया था कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए. और अब हम इस पेपर पे फेविकॉल लगाएंगे और उसके बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे. और अब हम इसे फ्रेमिंग कर देंगे. और फ्रेमिंग करने के बाद में हम इसके नीचे वाले पार्ट पे ये कैंडल को लगाएंगे. ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैंडल है जो कि बैटरी से जलता है. और कैंडल को पेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं ये डबल टेप का यूज करूंगी. डबल टेप लगाने से क्या होगा, एक तो आपका ये अच्छे से लगा रहेगा और कभी कैंडल खराब हो जाए तो आप इसे आसानी से निकाल कर दूसरा कैंडल लगा सकते हैं. और ये कैंडल मैंने लोकल शॉप से परचेज किया है, आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा. तो ये रहा हमारा सेकंड DIY रेडी है. और कैंडल जलाने के बाद में इसका लुक जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा था. थर्ड DIY के लिए यहाँ पर मैं अपना एक पुराना फोटो फ्रेम का यूज कर रही हूँ. एक्चुअली इसका ग्लास एंड बैक साइड वाला पार्ट दोनों ही टूट गया था.
इसलिए इसके पीछे मैं इस तरीके का एक व्हाइट पेपर को पेस्ट करूंगी और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम कट कर लेंगे। पेपर को हम ये फेविकोल के हेल्प से पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास ये फोटो फ्रेम्स ना हो तो आप ये सारे DIY को वेस्ट कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। और अब हम ये सूखी लकड़ी को इसके ऊपर लगा देंगे। पर लगाने से पहले इसे हम गोल्डन एक्रिलिक कलर से पेंट करेंगे। आप अपने पसंद का कोई भी कलर से पेंट कर सकते हैं। पेंट होने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम इसे फेविकोल लगा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये रहा हमारा 3rd DIY भी रेडी है। इसे बनाना बहुत ही आसान था। अगर आपके भी घर पे कोई फोटो फ्रेम टूट गया है तो आप उसे इस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। और ये दिखने में बिल्कुल ही ब्रास वॉल आर्ट की तरह लगता है। जब आप इसे वॉल पे लगाएंगे तो लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। आपको इन तीनों DIY में से कौन सा DIY सबसे ज्यादा पसंद आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।